तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ कि कैसे बना सकते हैं आप वेज मंचूरियन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 गाजर और 1 कैप्सिकम। गाजर को जो है दोस्तों हम लोग ग्रेट करेंगे और कैप्सिकम को हम लोग काट लेंगे। यहाँ पर मैं गाजर को ग्रेट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसे मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप जो है मिक्सर ग्राइंडर में करके भी इसको ग्रेट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ग्रेट कर दिया है पूरे गाजर को और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया है। अब जो है हम बंदा गोभी को ग्रेट कर रहे हैं। बंदा गोभी आप चाहे तो मशीन में भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली कर सकते हैं। ये देखिए कैसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मैन्युअली किया है, आप चाहे तो मशीन से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा बंदा को भी जो है ग्रेट हो गया है। तो अब जब बात आती है दोस्तों बॉल बनाने के लिए, बॉल बनाने के लिए मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन काटे हुए, गाजर डाल दिया है, कैप्सिकम डाल दिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। ये मैंने डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाले से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर आता है, ज़्यादा झाल भी नहीं होता है। ये मैंने डाल दिया मैदा। मैदा को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इन सब को हम लोग हाथ से मिक्स कर लेंगे, मगर उससे पहले काला मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ कैसे। मैंने यहाँ पर जो है मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए हैं और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में जिंजर डाल दिया है और गार्लिक भी डाल दिया है। इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने प्याज डाल दिया है अभी, इसको अच्छे से मिलाएंगे हम लोग। अब जो है हम लोग इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि मंचूरियन में बॉल्स में हमने पहले से नमक डाला हुआ है। इसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली सॉस। आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप झाल नहीं खाते हैं तो। और इसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप, ये थोड़ा सा मीठापन आने के लिए। मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। इसमें हम पानी डाल के मिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम लोग डाल देंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी, ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा। इसको हम लोग अच्छे से मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा और पानी देंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा और पानी देके ग्रेवी बना सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके सब बॉल्स डाल देंगे और फिर बॉल्स को जेंटली मिलाएंगे अच्छे से। और ये हो गई तैयार। मैंने आपको सर्व करके दिखा दिया है और देखिए कितना सॉफ्ट है और ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। आई रिकमेंड यू टू ट्राई दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।